एमसी स्कूल में काम करता हूँ। आज 9th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स 2 में हम आपको सिखाने जा रहे हैं चैप्टर 5 चतुर्भुज के घटक और समांतर चतुर्भुज की कसौटियाँ, ये हम आपको सिखाने जा रहे हैं। हमने देखा है कि चतुर्भुज के जो घटक हैं वो हमने पिछली क्लासों में पढ़ा हुआ है। पिछली क्लासों में हमने जो पढ़ा है उसको एक मिनट रिविजन करते हैं। एक चतुर्भुज है तुम्हारा ए बी सी डी, ए चतुर्भुज है। इस चतुर्भुज में पहले देखेंगे संलग्न भुजाएं क्या है। भुजा ए बी और भुजा ए डी ये संलग्न भुजा है। ए बी के साथ में बी सी ये संलग्न भुजा है। बी सी और सी डी संलग्न भुजा है, मतलब अगल बगल की भुजाएं संलग्न भुजाएं होती हैं। मतलब ध्यान से देखते जाना, सी और ए डी ये संलग्न भुजाएं हैं। और उसके बाद में हम देखेंगे संलग्न कोण, अगल बगल के कोण, कोण ए और कोण बी संलग्न कोण है, कोण बी कोण सी संलग्न कोण है और कोण सी कोण डी संलग्न कोण है। अब हम इसको देखेंगे संलग्न भुजाएं और संलग्न कोण, अगल बगल की भुजाएं संलग्न भुजाएं। जब बोलेंगे जोड़ियां तो जोड़ियों में आपका आ जाएगा यहाँ पे भुजा ए बी और भुजा बी सी एक जोड़ी, भुजा बी सी भुजा सी डी दूसरी जोड़ी, और भुजा ए डी और भुजा डी सी तीसरी जोड़ी, और ए डी और ए बी चौथी जोड़ी। आप ऐसे स्टार्ट करते हैं ए बी बी सी, बी सी सी डी, सी डी ए डी, फिर ए डी और ए बी। अब हुआ सम्मुख कोण, आमने सामने का कोण, कोण ए और कोण सी ये सम्मुख कोण है, कोण बी और कोण डी ये सम्मुख कोण है। तो संलग्न कोणों की जोड़ियां और सम्मुख कोणों की जोड़ियां, सम्मुख भुजाएं, आप सम्मुख भुजाएं देखेंगे तो भुजा ए डी और भुजा बी सी, भुजा डी सी और भुजा ए बी, ये आपकी सम्मुख भुजाएं हैं। ए बी के सामने का डी सी और ए डी भुजा के सामने का बी सी, ए डी बी सी ए बी और सी डी ये सम्मुख भुजाएं हैं। अब हम देखेंगे सम्मुख कोण की जोड़ियां, जब बोलेंगे दो जोड़ी आएगी, कोण बी कोण डी, कोण ए कोण सी। देखो सम्मुख कोणों की जोड़ियां, पहला कोण ए कोण सी, ए और सी, कोण बी कोण डी, बी और डी। अब इसके बाद में सम्मुख भुजा सम्मुख कोण संलग्न भुजा संलग्न कोण करने के बाद में हम पढ़ेंगे समांतर चतुर्भुज होता क्या है। समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं? जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं सम्मुख भुजाओं की दोनों जोड़ियां समांतर हों उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं की दोनों जोड़ियां समांतर हों, हम यहाँ पे लेते हैं पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। देखो नामकरण कैसे करेंगे, पी है फिर क्यू है फिर आर है फिर एस है, ऑर्डर में पी क्यू आर यहाँ पे मत लेना आप। समांतर भुजा सम्मुख भुजा समांतर, पी क्यू और एस आर ये भुजा है सम्मुख। समांतर का मतलब पी क्यू समांतर होना चाहिए एस आर के, और क्यू आर समांतर है पी एस के, तो यह समांतर चतुर्भुज है। आपकी शर्त है समांतर चतुर्भुज जिसकी दोनों सम्मुख भुजाओं की दोनों जोड़ियां समांतर हों उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। ये परिभाषा भी है। और इसके बाद में अब हम चलेंगे समांतर चतुर्भुज की कसौटियां पढ़ेंगे। समांतर चतुर्भुज की कसौटियां क्या है? उसमें है आपका पहली कसौटी, चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं की जोड़ियां सर्वांग सम हों। चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं की जोड़ियां सर्वांग सम हों तो वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। इसकी जोड़ियां अगर सर्वांग सम हों, मतलब एक कसौटी है, अगर इसी चतुर्भुज की चार भुजा वाली आकृति की सम्मुख भुजाओं की जोड़ियां आमने सामने की जोड़ियां सर्वांग सम हैं तो वह समांतर चतुर्भुज होता है। इसे हम सिद्ध करेंगे, यह प्रमेय भी है और यह कसौटी भी है। चलिए
हम लेते हैं पी क्यू आर एस, एक समांतर चतुर्भुज है, सिद्ध करना है, एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है, यह एक चतुर्भुज है, पी क्यू आर एस एक चतुर्भुज है। दत्त क्या लेंगे, चतुर्भुज पी क्यू आर एस में भुजा पी एस, सर्वांग सम भुजा क्यू आर, भुजा पी क्यू, सर्वांग सम भुजा एस आर, ये दत्त है आपका। साथ ही क्या करना है, चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। अब हम इसके लिए क्या करेंगे, रचना करेंगे, विकर्ण पी आर खींचेंगे, विकर्ण पी आर खींचा, त्रिभुज एस पी आर तथा त्रिभुज क्यू आर पी, क्यू आर पी में एक त्रिभुज है, त्रिभुज एस पी आर और त्रिभुज क्यू आर पी में, देखिए अगर इसे हम अलग कर देते हैं यहाँ पे P Q R और यहाँ पे P S R, इसे हम अलग कर देते हैं, भुजा एस पी आपको दिया हुआ है, एस पी सर्वांगसम भुजा क्यू आर के, भुजा पी क्यू सर्वांगसम है भुजा एस आर के, और हमने पी आर भुजा दोनों विषय भुजा पी आर सर्वांगसम भुजा, इसलिए त्रिभुज पी एस एस पी आर और क्यू आर पी ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होगा कोण क्यू आर पी के, त्रिभुज क्यू आर पी के। अब यहाँ पे हम देखते हैं ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हुए, एस पी आर सर्वांगसम हुआ क्यू आर पी के, उसके बाद क्या हुआ, यह कोण सर्वांगसम होगा इसके। देखिए हमें कसौटी सिद्ध करने के लिए हम सबसे पहले त्रिभुज को सर्वांगसम करते हैं, तो हमेशा आप देखिए कभी भी दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, ये मैंने एक त्रिभुज लिया है और दूसरा त्रिभुज लिया है, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर, दरअसल त्रिभुज का रिविजन है, त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध करना आया तो आपको कसौटी आराम से फटाफट आ जाएगी। देखो हम एक त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध कर ए बी सर्वांगसम पी क्यू के, बी सी सर्वांगसम क्यू आर के और ए सी सर्वांगसम पी आर के, तीनों भुजा के बराबर है, इसे हम कहते हैं भुजा 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 कसौटी, भुजा भुजा कसौटी, भुजा 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 कसौटी के अंदर को जब सिद्ध करते हैं उसके तीन घटक का प्रयोग करते हैं। देखिए हमने इस त्रिभुज को जब सिद्ध किया है तो त्रिभुज पी एस सर्वांग समय त्रिभुज क्यू आर के, त्रिभुज पी क्यू सर्वांग समय भुजा पी एस सर्वांग सम भुजा क्यू आर के, भुजा पी क्यू सर्वांग सम भुजा एस आर के और पी आर सर्वांग सम पी आर के, इसके तीन कोण बचे हुए हैं, तो हम लेते हैं कोण एस पी आर, ये सर्वांग सम होगा कोण क्यू आर पी के, एक कोण सर्वांगसम होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, ए सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण। अगर एक दो त्रिभुज को हमने सर्वांगसम सिद्ध कर लिया है तो कोण को सर्वांगसम उसके जो घटक बाकी कोण सर्वांगसम जब हम कहेंगे तो उसको लिखते हैं सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण। इसका शॉर्ट फॉर्म रहेगा स त्रि स को, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण, भुजा रहेगी तो सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं। देखिए लेकिन ए जो कोण है,
यह जो कोण है ये किस प्रकार का कोण है, इसके लिए आपको चैप्टर करने के लिए बेसिक भी मालूम होना चाहिए, आपने पहले दूसरे चैप्टर में किया है। एकांतर कोण हम आपको बताते हैं, एक कोण जो है सर्वांगसम इसके है, देखिए ये अगर दो समांतर रेखाएं हैं यहाँ पे और ये दो कोण सर्वांगसम है, देखिए दो कोण सर्वांगसम है, समांतर रेखाएं होती हैं, उसी चीज को समांतर रेखाओं के बेसिक को, समांतर रेखाओं के प्रमेय को हम यहाँ पे लाते हैं कि ये दो कोण सर्वांगसम है तो भुजा पी एस सर्वांगसम है भुजा क्यू आर के होगी, उसको बोलते हैं एकांतर, एकांतर समांतर रेखाओं की एकांतर कोण कसौटी, भुजा पी एस समांतर भुजा क्यू आर। हमने क्या सिद्ध किया, हमने सिद्ध किया त्रिभुज पी एस आर और त्रिभुज क्यू आर पी सर्वांगसम त्रिभुज है और उसके बाद यह कोण इसके सर्वांगसम हुआ। उसी प्रकार से एक कोण सर्वांगसम है इसके, जब यह कोण सर्वांगसम होगा इसके, यह भी एकांतर कोण दिख रहे हैं और ए एकांतर कोण जब सर्वांगसम है तो भुजा पी क्यू समांतर होगी भुजा एस आर के। पहले हमने सिद्ध किया कि भुजा पी एस समांतर भुजा क्यू आर के और उसी प्रकार से कोण पी आर एस सर्वांगसम कोण आर पी क्यू सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण, तो भुजा पी क्यू समांतर होगी भुजा एस आर के। मुझे क्या मिला, पी एस समांतर क्यू आर के और पी क्यू समांतर एस आर के, एक त्रिभुज की दोनों समभुजाओं की जोड़ियां समांतर हमने सिद्ध कर लिया, इसलिए त्रिभुज पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। पहला तथा दूसरे के आधार पर, पहला है हमने एक भुजा समभुजा को समांतर सिद्ध कर तो पहला समीकरण डाला है, यहाँ पे दूसरी भुजा को हमने समांतर सिद्ध किया है भुजा पी क्यू समांतर एस, इसको हमने दूसरा समीकरण डाला है, तो इन पहले और दूसरे के आधार पर यह समांतर चतुर्भुज हुआ। यह है आपकी, हमने प्रमेय को सिद्ध किया है कि अगर किसी चतुर्भुज की समभुजा की जोड़ी सर्वांगसम है तो वह समांतर चतुर्भुज होता है। आपको सिद्ध करना है कि यह समांतर QR के और यह सार समांतर PQ के, ये आपकी पहली कसौटी थी। उसके बाद में हम लेंगे दूसरी कसौटी, दूसरी कसौटी, यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों की दोनों जोड़ियां सर्वांगसम हों तो वह समांतर चतुर्भुज होता है। ध्यान से स्टेटमेंट देखना, यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों की दोनों जोड़ियां परस्पर सर्वांगसम हों तो वह समांतर चतुर्भुज होता है। दिया क्या है, पी क्यू आर एस हमने एक चतुर्भुज लिया, दत्त क्या है, इसके दोनों जोड़ियां समूह भुजाओं की दोनों जोड़ियां, देखिए एक और एक ये है कोण एस पी क्यू, मार्क कर देता हूं ए सर्वांगसम है, कोण क्यू आर पी इसके, और दूसरा है कोण पी एस आर सर्वांगसम है कोण पी क्यू आर के, दत्त है आपका। साध्य क्या करना है, अगर सम्मुख कोण सर्वांगसम दिए हैं तो साध्य करना है कि पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है, ये आपको सिद्ध करना है। चलो उपपत्त लेंगे हम, माना कोण क्यू पी एस और क्यू आर एस बराबर यक्ष अंश, क्यू पी एस माना एक कोण यक्ष अंश का है और इस कोण को हमने यक्ष अंश लिया, उसी प्रकार से माना यह कोण वाई अंश है और यह कोण वाई अंश है। अब हम चतुर्भुज का एक गुणधर्म का प्रयोग करेंगे, क्या कोण एस पी क्यू प्लस कोण पी क्यू आर प्लस कोण क्यू आर एस प्लस कोण पी एस आर बराबर 360 अंश। यहाँ पे देखिए आप ये चारों कोण, कोण पी क्यू आर और कोण क्यू आर एस, कोण आर एस पी कोण एस पी क्यू, एक दो तीन चार, ये चारों कोण जो है ये मिल के 360 अंश का होता है, ये गुणधर्म है। तो हम लिखेंगे कोण एस पी क्यू को हमने एक्स लिया है, कोण पी क्यू आर को वाई लिया है, कोण क्यू आर एस को एक्स लिया है और कोण पी एस आर को वाई लिया है, ए बराबर होगा 360।
अब यक्ष और यक्ष 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 मिलके दो यक्ष, वाई प्लस वाई मिलके दो वाई, अब आया है 2x प्लस 2y बराबर 360। उसके बाद में हम दो को कॉमन निकालेंगे, दो को कॉमन निकाला, दो को बाहर निकाला, x प्लस y बराबर 360। अब x y को लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं, दो को नीचे लाएंगे 360 बटा दो, इसको कैंसिल करेंगे, 2 1 जा यहाँ पे 180 अंश, x प्लस वाई बराबर 180 अंश। देखिए हमको मिल रहा है x प्लस वाई बराबर 180 अंश। अब x क्या है, देखिए x और y a आप लेते हो तो कोण QPS और कोण PSR ये दोनों मिलके 180 अंश है। चलो इसका हम थोड़ा सा पार्ट बाहर निकालते हैं, ये PQ है, ये SR है, ये PQ और ये SR, ये PS, हमको क्या मिला, यह कोण और यह कोण, ये दोनों कोण हमको 180 अंश मिला। ध्यान रखना अगर दो कोण का योग 180 अंश होता है तो रेखा PQ समांतर होगी रेखा SR के, क्योंकि यह अंतः कोण होता है, ये दोनों अंतः कोण है और अंतः कोण के मापों का योग 180 अंश होता है तो रेखा समांतर होती है। एक अंतर कोण, अंतः कोण और संगत कोण, तीन आता है आपको, तो कसौटियां हैं, अगर अंतः कोणों के मापों का योग 180 अंश होता है तो रेखा समांतर होती है। आपको यह कोण x और यह कोण y 180 अंश आया तो PQ समांतर हुआ SR के, PQ समांतर हुआ SR के। उसी प्रकार भुजा PS समांतर QR के सिद्ध करेंगे, भुजा PS समांतर भुजा QR के। तो देखो A को हमने सिद्ध कर दिया और दूसरे को उसी प्रकार PS और QR को सिद्ध करेंगे, तो सम्मुख भुजाएं यहाँ भी समांतर हो रही हैं। जब सम्मुख भुजा समांतर होती है किसी चतुर्भुज के तो वह चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है। हमेशा आपको लाना है कि भुजा समांतर है तो एक चतुर्भुज होगा। देखिए यहाँ पे भुजा PQ समांतर भुजा SR समांतर रेखाओं की अंतः कोण कसौटी, ये पहला डाला। उसी प्रकार से कर सकते हैं भुजा PS समांतर है भुजा QR के, समांतर रेखाओं की अंतः कोण कसौटी, समीकरण दूसरा। PQRS एक समांतर चतुर्भुज है पहले और दूसरे के आधार पर, समीकरण पहले और दूसरे के आधार पर। तो आपकी दूसरी कसौटी थी। अभी हम लेंगे तीसरी कसौटी, चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज सिद्ध करने की तीसरी कसौटी है। उसका स्टेटमेंट है यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करें तो वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करें तो वह समांतर चतुर्भुज होता है। देखिए अब समझो, हम पहले डायग्राम खींचते हैं, पी क्यू आर एस एक चतुर्भुज है। विकर्ण क्या होता है, सम्मुख शीर्ष बिंदु को जो मिलाने वाली रेखा एस क्यू एक विकर्ण और पी आर दूसरा विकर्ण। कह क्या रहा है स्टेटमेंट में कि विकर्ण दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब पी आर और एस क्यू बिंदु काटते हैं, तो पी एम सर्वांशम है एम आर के और एम एस सर्वांशम है एम क्यू के। अगर ऐसा है तो दिया हुआ चतुर्भुज तुम्हारा समांतर चतुर्भुज होगा। चलिए दत्त लेते हैं, चतुर्भुज पी क्यू आर एस के विकर्ण पी आर तथा विकर्ण क्यू एस परस्पर बिंदु एम पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि रेख पीएम सर्वांग समरेखार्यम, ये पीएम सर्वांग समरेखार्यम तथा रेख एसएम एसएम सर्वांग समरेख एम क्यू। सिद्ध करना है आपको पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है, ये सिद्ध करना है। वापस ऊपर वही हमको दो त्रिभुज लेंगे और दो त्रिभुजों को सर्वांग सम करना है। चलिए ऊपर त्रिभुज पी एम क्यू तथा त्रिभुज आर एम एस में, ये त्रिभुज पी एम क्यू है और त्रिभुज आर एम एस में, यहाँ पे रेख पी एम, देखिए रेख पी एम ए सर्वांशम है रेख एम आर के, यहाँ पे रेख पी एम सर्वांशम रेख आर एम के,
कोण पी एम क्यू, कोण पी एम क्यू सर्वांग सम है कोण आर एम एस के। डायग्राम में देखिए पी एम क्यू सर्वांग सम है एस एम आर। देखिए रीजन यहाँ लिखा है शीर्षाभिमुख कोण। अब आप समझिए कि जब दो रेखाएं परस्पर एक दूसरे को काटती हैं तो उनके ये जो कोण आमने सामने के हैं यहाँ प्रतिच्छेदन बिंदु पे शीर्षाभिमुख कोण होते हैं और शीर्षाभिमुख कोण हमेशा सर्वांग सम होते हैं। ये मिल गया आपको। नेक्स्ट रेख क्यूएम, रेख देखो क्यूएम सर्वांग सम रेख क्यूएम दिया है, रेख क्यूएम सर्वांग सम रेख क्यूएम यह आपको ऑलरेडी दी। अभी त्रिभुज पीक्यूएम सर्वांग सम त्रिभुज आर एम, त्रिभुज पीक्यूएम सर्वांग सम त्रिभुज आर एम एस। डायग्राम देखो त्रिभुज पीक्यूएम सर्वांग सम त्रिभुज आर एस एम, मतलब ए त्रिभुज देखिए ए त्रिभुज और ए त्रिभुज सर्वांग सम है। त्रिभुज बाकी घटक होंगे, बाकी घटक होंगे तो सर्वांग सम होंगे। बाकी घटक क्या है, कोण पी क्यू एम, कोण पी क्यू सर्वांग सम है आर एस एम, इसकी सर्वांग सम होगा। कारण आएगा आप ऐसे रेखा बढ़ाओगे, देखिए रेखा ऐसी है और फिर ये रेखा ऐसी है और इसको अगर ज्वाइन करते हैं आप तो देखिए एक कोण सर्वांग सम इसको हमने सिद्ध किया। तो आपको सीधी बात है यस आर समांतर होगा पी क्यू के, भुजा पी क्यू समांतर है भुजा यस आर के, समांतर रेखाओं की एकांतर कोण का छोटी। आपको जोड़ी हमने समांतर कर लिया भुजा आर एस समांतर भुजा पी क्यू, उसी प्रकार से हम सिद्ध कर सकते हैं भुजा एस पी समांतर भुजा आर क्यू। तो क्या मिला हमको, फिर इस त्रिभुज इस चतुर्भुज के हमने सम्मुख भुजाओं को समांतर सिद्ध किया और यदि चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं तो वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। ये है आपका। उसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि भुजा पी एस समांतर भुजा आर क्यू, तो त्रिभुज पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। अब इसके बाद में आपको आएगा चौथी कसौटी। चौथी कसौटी है यदि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं की एक जोड़ी सर्वांग सम तथा समांतर हो। यहाँ पे दिया हुआ है कि एक ही जोड़ी शीर्ष सम्मुख भुजा की एक जोड़ी सर्वांग सम हो और वह समांतर भी है तो वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। अब लेंगे हम चतुर्भुज एल एम एन के, चतुर्भुज एल एम एन के लिया। इस चतुर्भुज एल एम एन के में क्या दिया है, भुजा एल एम सर्वांग सम भुजा के एन और भुजा एल एम समांतर भुजा के एन, यही एक जोड़ी को समांतर भी कहा है और यही एक जोड़ी को सर्वांग सम कहा है तो वह चतुर्भुज समांतर होता है। चलो हम सिद्ध करेंगे साथ दिया चतुर्भुज एल एम एन के एक समांतर चतुर्भुज है, यह आपको सिद्ध करना है। दत्त दिया हुआ है रचना विकर्ण के एम को खींचो। अब चतुर्भुज एल एम एन के में आपको क्या दिया है, भुजा एल एम समांतर भुजा के एन, एल एम समांतर भुजा के एन। अब जब भुजा समांतर है तो आपको सीधा आ जाता है कि एकांतर कोण संगत कोण और अंतर कोण, ये चीज हमेशा सामने आती है। तो देखिए हम एल एम यहाँ पे डायग्राम बना रहे हैं, एल एम समांतर है के एन के बराबर, तो ए समांतर ऐसा डाल देते हैं एल एम यहाँ पे समांतर है के एन के, कोण एल एम के एक अंतर कोण हो रहा है कोण एल एम के सर्वांग सम होगा कोण
डीएनके एमके दोनों कोण से समांतर होंगे क्योंकि एक अंदर कोण है, दो एक समांतर हैं, एक अंदर कोण से समांतर होंगे। हमने पहला क्या लिखा लिया कि यह कोण और एक कोण यह मतलब यह एमके और यह मतलब एमके एमके कोण से समांतर है। दूसरा क्या है दिया हुआ है। अब दो त्रिभुज लेंगे, दो त्रिभुज कौन सा, दो त्रिभुज त्रिभुज ए एल एम और त्रिभुज एम एन के में रेखा एम सर्वांग सम रेखा ए एम यह है कोण एल एम के सर्वांग सम कोण एन के एम क्योंकि यह रेखा एम के दोनों त्रिभुजों में है, निश्चित रेखा है। और क्लियर करने के लिए ये डायग्राम को जरा हम स्प्लिट करते हैं। देखिए यहाँ पे L के M इसको L के जब आप पसंद कर लिया था तो उसको स्प्लिट कर देना L के M। और दूसरा है ये त्रिभुज देखिए ये स्प्लिट कर रहे हैं हम ऐसा K M N। देखिए आया ना उभयनिष्ठ आया ना, एक KM KM दोनों त्रिभुजों में आ रहा है, इसलिए त्रिभुज इसके सर्वांगसम है, ए भुज इसके सर्वांगसम दिया है, इसे हमने सिद्ध किया है। देखो ये दोनों त्रिभुज हमको मिल रहे हैं सर्वांगसम है भुजा कोण भुजा कसौटी के द्वारा, त्रिभुज को हमने सर्वांगसम सिद्ध कर लिया। अब कोण एल के एम, एल के एम बोलिए कोण एल के एम ए कोण, देखिए इसको सर्कल कर रहा हूं, कोण एल के एम सर्वांगसम होगा कोण एन एम के, इस कोण की सर्वांगसम होगा, कारण सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण। तो एक कोण तो जब कोण आ गया सर्वांगसम तो आपको मिलेगा क्या, भुजा एल के और एकांतर कोण भी है, सर्वांगसम हुआ और एकांतर कोण भी है, तो भुजा एल के समांतर हो गई भुजा एम एन के, मिल गया हमको एल एम समांतर के एन के दिया है और एल के समांतर एम एन के मिल गया है, इसलिए चतुर्भुज एल एम एन के आपका समांतर चतुर्भुज है। इसलिए कह लिया चतुर्भुज एल एम एन के समांतर है, इसको लिखा है यहाँ पे कोण एल एम के सर्वांगसम कोण एन के एन एकांतर कोण। अब त्रिभुज है देखिए त्रिभुज लिया है त्रिभुज के एल एम और त्रिभुज एम एन के में लिखेंगे कैसे, रेखा एल एम सर्वांगसम रेखा के अंदर रेखा कोण एल एम के सर्वांगसम कोण एन के एम पहले से यहाँ पहले से हमने प्राप्त किया, रेख के एम सर्वांगसम रेख एम के सामान्य भुजा है, त्रिभुज के एल एम सर्वांगसम त्रिभुज एम एन के भू कोण भू कसौटी भुजा कोण भुजा, इसलिए कोण एल के एम सर्वांगसम कोण एन एम के समांतर त्रिभुजों के संगत कोण, इसलिए भुजा एल के समांतर है भुजा एम एन के समांतर रेखाओं की एकांतर कोण कसौटी। जो इस त्रिभुज में जो इस आकृति में हम कहते हैं उसे हम सिस्टमेटिक रूप से लिखते चले जाएंगे। दरअसल यह आपको सब सर्वांगसम त्रिभुज सिद्ध करना है, तो त्रिभुज चैप्टर और सर्वांगसम त्रिभुजों की सारी कसौटी आपको अच्छे ढंग से चाहिए, तो फटाफट त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध कर जाओगे और एकांतर कोण सर्वांगसम होंगे आपको समांतर रेखा मिलती जाएगी और आप चतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज सिद्ध करते जाओगे। लास्ट में है चतुर्भुज एल एम एन के एक समांतर चतुर्भुज है समीकरण दूसरे और तीसरे से, ये चार कसौटियां हैं, इन चार कसौटियों को हमने पूरा किया। अभी किसी को कुछ डाउट्स बोलिए।
किसी को कुछ डाउट्स? हेलो 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 सर, हाँ बोलिए। सर्वांगशन का मतलब मेरे को समझ में नहीं आया सर। एक मिनट मुझे जरा देखने दो। इसका मतलब सर्वांगशम। सर्वांगशम, सर्वांगशम का मतलब है, जरा मेरा कैमरा तो सही हो गया। हाँ चलिए, सर्वांगशम का मतलब मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये जो आप चतुर्भुज सिद्ध करण में बार बार बोल रहा हूँ, पीछे के चैप्टर का बहुत मान्य है, इसका बहुत मान्य है पीछे के चैप्टर का। सर्वांगशम आप क्या, सर्वांगशम क्या होता है? जैसे भुजा ए बी, देखिए यहाँ पे ये भुजा ए बी है 3 सेंटीमीटर और भुजा सी डी है 3 सेंटीमीटर, दोनों की लंबाई बराबर है, इसे बोलेंगे भुजा ए बी सर्वांगशम भुजा सी डी। आई बात समझ में? हाँ सर बराबर। अब चलो कोण देखते हैं। कोण, ये कोण है तुम्हारा एबीसी, बराबर दिख रहा है कोण एबीसी, और दूसरा कोण है हम बना रहे हैं डीईएफ, डीईएफ ये है 30 अंश और यह भी है 30 अंश, बराबर 30 अंश और 30 अंश है, तो ये दोनों कोण का माप बराबर है, तो इसको हम बोलेंगे कोण एबीसी सर्वांगशम है कोण डीईएफ के। आई बात समझ में? हाँ सर, थैंक यू। कोण के माप बराबर है, उसी प्रकार से त्रिभुज सर्वांगशम करना है आपको। त्रिभुज की 4 कसौटियां हैं, 4 कसौटी जैसे इसकी कसौटी समांतर चतुर्भुज की है, वो त्रिभुज को सर्वांगशम करना तीसरा चैप्टर है, सब सीख लो फटाफट। तो आपको समांतर चतुर्भुज फटाफट, समांतर चतुर्भुज आपको त्रिभुज ही सर्वांगशम करेगा। तो त्रिभुज सर्वांगशम करने के मैं आपको बता देता हूँ, भुजा 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 कसौटी। हेलो सर, चतुर्भुज की कसौटी समझ में नहीं आया, कौन भुजा कौन कसौटी। ओके और सुमित, हाँ सुमित बोलो। सुमित सुमित सुमित, कार्तिक मिश्रा बोलो। सर आपकी आवाज अटक अटक के आ रही थी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। हाँ तो आवाज में ये नेट का प्रॉब्लम है बच्चा, नेट का प्रॉब्लम हुआ होगा, कुछ तो हो सकता है। चतुर्भुज कसौटी समझ नहीं आया। चतुर्भुज की रचनाएं बता दीजिए। चतुर्भुज की रचना हमको करना है, कसौटियां करना, रचना बहुत होती है चतुर्भुज की, उसमें क्या क्या करना, कसौटियां करना है, चतुर्भुज करना है। आउट ऑफ टॉपिक तुम पूछ रहे हो, जो मैंने पढ़ाया है उसको भी पूछो। ओके और चतुर्भुज की कसौटी पॉइंट टू बता दो। चतुर्भुज की कसौटी पॉइंट टू, पॉइंट टू में आपको है, देखिए यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोण की दोनों जोड़ियां परस्पर सर्वांगशम हों तो वह समांतर चतुर्भुज होता है। चतुर्भुज पी क्यू आर एस हमने लिया है, ए कोई भी चतुर्भुज है। चतुर्भुज किसे कहते हैं? जिसमें 4 भुजाएं होती हैं। अगर सम्मुख कोण, देखिए एक कोण पी और आर सर्वांगशम है, कोण एस और क्यू सर्वांगशम है, तो वह सम्मुख चतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज होगा। ये दूसरी कसौटी है, मतलब क्या दिया रहेगा कि आप पता लगा सकते हो समांतर चतुर्भुज है, वह आपकी दूसरी कसौटी है। अगर सम्मुख कोण सर्वांगशम है तो वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है, आपकी दूसरी कसौटी है।
क्लियर क्लियर। हेलो प्रीति रितिका प्रीति हाँ बोलिए प्रीति, आवाज आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। हाँ अभी आ रही है। नहीं आ रही है अभी आ रही है सर, वो जरा आप दूर कीजिए ना, इसलिए स्क्रीनशॉट मारना है। क्या कर रहे हैं बेटा? कैमरा जो है एडजस्ट कर रखे हैं, दूर जाने थोड़ा सा पीछे हो जाएगा। बात तो सही है, स्क्रीनशॉट। कुछ डाउट है तो पूछो। मौसम विजय चौधरी। हेलो हेलो हेलो। हाँ बोलिए मौसम। हाँ बोलिए, आवाज सुनाई दे रही है। सर जो अपना कौन है ना, ये वो चारों कोण में अपने मन से भी नाम डाल सकते हैं ना, जैसे कि ए बी सी डी, ऐसा अपने मन से भी नाम डाल कुछ सकते भी, कुछ भी। यस यस, ए बी सी डी पी क्यू आर एस एक्स वाई जेड डब्ल्यू डी ई एफ, यस कुछ भी। थैंक यू सर, बस इतना ही पूछना था। अच्छा नेक्स्ट डाउट्स, नेक्स्ट मोहित एंड प्रतिमा। मोहित एंड प्रतिमा हाँ पूछिए, क्या डाउट्स हैं मोहित? मोहित सुमित यादव सर। हेलो सर, थोड़ा दूर ये स्क्रीनशॉट लेना है। क्या हुआ क्या बेटा? हेलो क्या बोल रहे हो? सर आपने जो वो सेकंड सम सर, आवाज आवाज क्लियर नहीं हुई। दो दो लोग साथ में बोल रहे हो, क्लियर बोल रहे हैं। कौन सा? हेलो 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 सर, थोड़ा दूर करो सर, शॉट ले। क्या करना है? नंबर एक पेज, नंबर दो पेज, नंबर तीन पेज, नंबर चार पेज, नंबर फाइव पेज, नंबर सिक्स पेज, नंबर सेवन पेज, नंबर एट पेज, नंबर नाइन।
नौ पेज है सब। सब नौ पेज है, क्लियर।